प्यारे भाइयों, हमारे देश ने बहुत विकास किया है, बहुत विकास किया है। इस विकास का लेकिन जो फल है वो आम लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है। यह जो विकास है इसका जो फल है ये कुछ चंद सीमित लोगों के तक की सीमित रह गया है। आज हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि इस देश के लोग कैसे बहुत सारी गरीबी, बेरोजगारी और तरह तरह की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसी घटना आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। ये घटना पंजाब के जिला संगरूर के गांव संतोखपुरा की है। यह गांव संगरूर से लगभग 12-13 किलोमीटर है। यहाँ की एक औरत गुरमेल कौर, एक दिन मेरे घर पे उसने खटखटाया। जब मैंने पूछा, हाँ माता क्या बात है, तब उसने बोला कि मेरे पास रोटी बनाने के लिए जो लोहे का तवा नहीं होता है वह नहीं है। हम घर में 7-8 खाना खाने वाले लोग हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, लेकिन मेरे पास तवा नहीं है लोहे का। मैंने पूछा, बीबी ये तो बड़ी ज़रूरत की चीज़ है, ये आपके पास क्यों नहीं? वो बोली कि जो मेरे पास तवा था वो बहुत पुराना था, घिस घिस के उसमें सुराख हो गए, वो सुराखों के कारण अब उसके ऊपर रोटी नहीं बनती। मैं अपने नज़दीक किसी और घर से यह तवा मांग के एक साल से लगभग मांग के तवा उस पर रोटी बना रही है। मैंने पूछा, फिर बाज़ार से ले लो। वो कहती, बाज़ार से कैसे ले लूँ, 200-250 रुपए लगते हैं, लेकिन मेरे पति को महीने में सिर्फ 4-5-6 दिन रोज़गार मिलता है। मैं लोगों के घर में कुछ काम करती हूँ, उससे सिर्फ आटा नमक तेल ही बड़ी मुश्किल से जुटा पाती हूँ। ऐसे मैंने सोच के कि बड़ी बुरी हालत है लोगों की, मैंने गुरमेल कौर को बोला कि बीबी कल को आपको कोशिश करेंगे कि आपको तवा मिल जाए। नेक्स्ट डे गुरमेल कौर को हमने, हमारी संस्था ने वह लोहे का तवा प्रोवाइड किया। प्यारे भाइयों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, विकास बहुत हो रहा है लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके पास विकास की रोशनी नहीं पहुँच रही। कृपया हमारी संस्था जो ऐसे लोगों का हाथ पकड़ रही है, उनका सहयोग दें ताकि हम उन लोगों के घरों तक भी रोशनी पहुंचा सकें जिनके पास कुछ भी नहीं है। कुछ करो फाउंडेशन का यही हमारा संदेश है कि इन रियल सेंस लोगों के पास विकास की रोशनी पहुंचनी चाहिए। यह केवल कर्तव्य सरकार का नहीं, संस्थाओं का नहीं, हम सभी लोगों का है। इसलिए मेरी इस विनम्र बेनती को गहराई से सोचें और हमारी संस्था से जुड़ के ऐसे लोगों का हाथ पकड़ें। धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि इस नेक काम में आप हमारे सहयोगी बनेंगे। आप अगर हमारे को सहयोग करना चाहते हैं तो हमारे पेज, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे हमारे साथ संपर्क करें, जिसके लिए हम आपके बहुत आभारी होंगे। धन्यवाद।